सभी को नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीएटी, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। कई बार क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि डिस्कस अबाउट टीएटी या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टीएटी। तो जनरली अगर बच्चों को पता ही नहीं होता है कि टीएटी का फुल फॉर्म क्या है तो वो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि उसमें इनको लिखना क्या है। तो हमको पता होना चाहिए कि टीएटी का फुल फॉर्म थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट है। और थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट या टीएटी किस में यूज होता है, किसको नापने के लिए प्रयुक्त होता है, इसकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। दी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और टैट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। हम लोग पहले भी एक बार प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात कर चुके हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट यानी प्रक्षेपण परीक्षण, और किसको नापने में प्रयुक्त होता है, पर्सनैलिटी। दैट इन्वॉल्व्स डिस्क्राइबिंग एम्बिगुअस सीन्स, यानी कि प्रोजेक्टिव एक प्रकार का प्रोजेक्टिव टेस्ट है जो कि इन्वॉल्व होता है किसका वर्णन करने में, उन चित्रों का, उन दृश्यों का जो कि एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस है मतलब क्लियर नहीं है। पॉपुलरली नोन एज द पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक, इसको मुख्यतया पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाई अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मुरे एंड क्रिस्टीना डी मॉर्गन, है ना। तो जनरली मुरे एंड मॉर्गन के नाम से जाने जाते हैं ये लोग, कि मुरे ने बनाया था। मुरे का नाम ज्यादा फेमस है। एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन 1930s, यानी कि 1930 में बना दिया गया था ये टेस्ट, है ना। और to date the TAT is one of the most widely researched and clinically used personality test. और आज की तारीख तक TAT सबसे ज्यादा research किए जाने वाला और clinically use किए जाने वाला परीक्षण है, personality परीक्षण, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण। How the TAT works, कैसे काम करता है TAT, देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ मैंने उसके एग्जाम्पल लिए हैं किस तरीके के एम्बिगुअस सीन से। आप खुद देख सकते हैं कि क्या एम्बिगुअस सीन है। ये देखिए कितना विचित्र सा ये चेहरा है। ये इस सीन से आप क्या समझ रहे हैं, इस सीन से आप क्या समझ रहे हैं। तो सिर्फ ये सीन है और इस सीन को दिखाकर सब्जेक्ट से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से प्रश्न, अभी मैं बताती हूं। और फिर वो ये जो सीन है उसको देखने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर देने की प्रक्रिया में एक कहानी बताएगा, और उस कहानी से जो टेस्ट लेने वाला है वो ये जान पाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे। देखिए, द टीएटी इन्वॉल्व्स शोइंग पीपल अ सीरीज ऑफ पिक्चर कार्ड्स, है ना। पिक्चर कार्ड्स हैं ये, और हम उनको सीरीज ऑफ पिक्चर कार्ड्स दिखाते जाएंगे। डिपिक्टिंग अ वैरायटी ऑफ एम्बिगुअस कैरेक्टर्स, जो बहुत सारे संदेह से घेरे के चरित्रों को दिखाते हैं, जिसमें कि आदमी हो सकता है, औरत हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ दृश्य हो सकते हैं या सिचुएशंस हो सकती हैं। तो टीएटी में ये किया जाता है कि कार्ड्स हैं हमारे पास जिसमें एम्बिगुअस पिक्चर्स बनी हुई, और हम उन एम्बिगुअस पिक्चर कार्ड्स को दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट को। ओके, फिर दे आर देन आस्क्ड टू टेल एज ड्रामेटिक अ स्टोरी एज दे कैन। फिर उनसे कहा जाता है कि उस पिक्चर को देख के, उस कार्ड को देख के एक ड्रामेटिक सी स्टोरी, जितनी ड्रामेटिकली वो सोच सकते हैं सोचे, जिसमें कि ये चार पॉइंट होने चाहिए। कौन से, व्हाट हैज लेड अप टू द इवेंट शोन, कि इस घटना में, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस घटना में क्या दिखाया जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन, क्या घटित हो रहा है। व्हाट हैज लेड अप टू द, इसका देखिए, व्हाट हैज लेड अप टू द इवेंट शोन, मतलब कि जो इवेंट में दिखाया जा रहा है कौन वहां तक लेकर आया, ना, लेड अप टू द। फिर व्हाट इज हैपनिंग इन द सीन, क्या घटित हो रहा है। द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि उस पिक्चर कार्ड में जितने चरित्र हैं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, और द आउटकम ऑफ द स्टोरी, और उसके बाद क्या निकल कर आता है स्टोरी का एंड, आउटकम क्या है। तो ये चार प्रश्न, कि वो किस के तहत ये घटना हो रही है, इस घटना में क्या हो रहा है, जो घटना में जो चरित्र हैं वो क्या सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और अंत क्या होगा इस स्टोरी का फिर देयर आर 31 पिक्चर कार्ड्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द टीएटी, जो टीएटी का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें 31 पिक्चर कार्ड्स होते हैं। सम ऑफ द कार्ड्स शो मेल फिगर्स, कुछ में पुरुष हैं, कुछ में महिलाएं हैं, कुछ में दोनों पुरुष महिलाएं हैं, कुछ में एम्बिगुअस जेंडर है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि कौन है, कुछ में वयस्क हैं, कुछ में बच्चे हैं, और कुछ में नो ह्यूमन फिगर्स एट ऑल। कुछ ऐसे भी पिक्चर कार्ड हैं जिसमें कोई भी ह्यूमन फिगर नहीं है, और एक कार्ड कैसा है, वन कार्ड इज कंप्लीटली ब्लैंक, और एक कार्ड ऐसा है, समझिए कि 30 में ये सब है और 31वां कार्ड जो है वो पूरी तरीके से खाली है। Although the cards were originally designed to be matched to the subject in terms of age and gender, ये कह रहे हैं
कि जो कार्ड्स हैं वो ओरिजिनली इस प्रकार से बनाए गए कि वो मैच किए जा सकें जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उसके एज और जेंडर के हिसाब से, है ना। लेकिन एनी कार्ड में भी यूज विद एनी सब्जेक्ट, पर किसी भी कार्ड को किसी भी सब्जेक्ट के संग हम दिखा सकते हैं। और मोस्ट प्रैक्टिशनर्स चूज अ सेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10 कार्ड्स, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो TAT यूज करते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 10 कार्ड्स तक यूज करते हैं, आइदर यूज इन कार्ड्स दैट दे फील आर जनरली यूजफुल, मतलब यूज करते करते उनको पता चल जाता है ना कि कौन से यूजफुल होंगे और जनरली यूजफुल, और दैट दे बिहेव और दैट दे That they believe will encourage the subject's expression of emotional conflicts. मतलब कि कह रहे हैं कि 30 हैं, एक जो है वो खाली है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो जरूरी नहीं कि पूरे 30 कार्ड हर सब्जेक्ट को दिखाएं, वो जनरली 10 कार्ड्स यूज करते हैं और वो ये उनको आइडिया लग जाता है कि कौन से कार्ड्स जो दिखाएंगे तो किस सब्जेक्ट के कौन से एक्सप्रेशन वो निकल सकता है, कौन सा इमोशनल कंफ्लिक्ट उनके सब्जेक्ट में है, किस कार्ड से वो ज्यादा समझ में आएगा, तो इतना आइडिया उनको हो जाता है। रेलिवेंट टू देयर स्पेसिफिक हिस्ट्री एंड सिचुएशन, मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसकी स्पेसिफिक हिस्ट्री और सिचुएशन से संबंधित कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा यूजफुल होगा वो ये प्रैक्टिशनर्स समझ जाते हैं। फिर द कंप्लीट वर्जन ऑफ द TAT इंक्लूड्स 31 कार्ड्स, हो गया मुरे ओरिजिनली रिकमेंडेड यूजिंग अप्रोक्सीमेटली 20 कार्ड्स एंड सेलेक्टिंग दोज दैट डिपिक्टेड कैरेक्टर्स सिमिलर टू द सब्जेक्ट। तो मुरे ने कहा कि 20 कार्ड से भी अप्रोक्सीमेटली हम काम चला सकते हैं। फिर टुडे मैनी प्रैक्टिशनर्स ओनली यूटिलाइज बिटवीन 5 and 12, है ना, तो ये बात हो गई, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है कि 30 प्लस 1 31 हैं, लेकिन प्रैक्टिशनर्स अपने हिसाब से ऑलमोस्ट 10 कार्ड से सब्जेक्ट की इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और सारी बातों के विषय में पता लगा लेते हैं। कह रहे ना, ऑफन सिलेक्टेड बिकॉज द एग्जामिनर फील्स दैट द सीन मैचेस द क्लाइंट्स नीड्स एंड सिचुएशन। भाई क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको क्लाइंट के बारे में पता चल जाता है ना, तो उनको पता वो फील कर लेते हैं, एक उनको हिंट हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है कि कौन सा सीन क्लाइंट के नीड और सिचुएशन से मैच करेगा, तो उसको वही पिक्चर कार्ड दिखाया जाता है। फिर क्या होता है, प्रैक्टिशनर्स यूज देयर बेस्ट जजमेंट व्हेन सेलेक्टिंग सीन्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन व्हिच माइट बी मोस्ट लाइकली टू इलिसिट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्पॉन्डेंट, है ना। रेस्पॉन्डेंट से जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो कार्ड जरूरी है वो कार्ड उसके उसको दिखाया जाता है। फिर क्या होता है, द टेस्ट टेकर इज यूज्ड टू मेकअप अ स्टोरी, जिसके ऊपर टेस्ट एडमिनिस्टर किया जा रहा है उसको कहा जाता है कि आप एक कहानी बताइए, एक कहानी का निर्माण कीजिए उस सीन को देखकर, टेलिंग व्हाट लेड अप टू द सीन इन द पिक्चर, है ना, सीन के मतलब सीन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कहां से ये सीन की उत्पत्ति हुई है, व्हाट इज हैपनिंग एट द करेंट मोमेंट, उस करेंट मोमेंट पर क्या हो रहा है, हाउ द कैरेक्टर्स आर थिंकिंग एंड फीलिंग, जो चरित्र हैं उस सीन में वो किस तरह से सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, एंड व्हाट द आउटकम विल बी, और इस कहानी का अंत क्या होगा, इन सारी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए टेस्ट टेकर को एक स्टोरी लिखनी होती है। ओके, फिर द ओरिजिनल पर्पज ऑफ द टेस्ट वॉज टू एसेस हेनरी मुरेज नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, चूंकि मुरे ने बनाया ये टेस्ट, है ना, और मुरे ने ही पर्सनैलिटी की नीड थ्योरी दी है, तो मुरे ने ओरिजिनली मतलब मौलिक रूप में TAT को इसलिए बनाया था कि वो नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी को एसेस कर सके। अब यहाँ पे हमको ये जानना पड़ेगा कि पर्सनैलिटी की नीड थ्योरी क्या है, तो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन नीड्स एंड मोटिव्स सजेस्ट दैट अवर पर्सनैलिटीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ बिहेवियर्स कंट्रोल्ड बाय नीड्स। मतलब नीड थ्योरी कहती है कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, वो एक प्रकार का रिफ्लेक्शन होता है, किसका रिफ्लेक्शन, जो हमारा बिहेवियर है, और बिहेवियर कौन कंट्रोल करता है, हमारी आवश्यकताएं, यानी कि हमारी आवश्यकताएं कंट्रोल करती हैं हमारे बिहेवियर को, और उस बिहेवियर का रिफ्लेक्शन हमारी पर्सनैलिटी में नजर आता है, ये मुरे ने अपनी नीड थ्योरी में कहा था। वाइल सम नीड्स आर टेम्परेरी एंड चेंजिंग, जिसमें से कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो क्षणिक होती हैं, टेम्परेरी होती हैं और चेंज होती रहती हैं, लेकिन अदर नीड्स आर मोर डीपली सीटेड इन अवर नेचर, लेकिन कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जो हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में गहरी बैठ होती है जिनकी। फिर मुरे बिलीव्ड दैट द प्रोजेक्टिव रेस्पॉन्सेज टू द एम्बिगुअस TAT कार्ड्स वुड रिवील एन इंडिविजुअल्स नीड्स एंड प्रेसेस। मुरे को यह विश्वास था कि जो प्रोजेक्टिव रेस्पॉन्सेज निकलेंगे, किससे, जो एम्बिगुअस TAT कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं स्टूडेंट को, उस सॉरी इंडिविजुअल को या स्टूडेंट को, वो रिवील कर देंगे, ये उद्घोषित कर देंगे क्या, कि
कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। करेंटली कैसे यूज होते हैं? करेंटली क्लिनिशियंस और रिसर्चर्स यूज इट मोर जनरली टू असेस पर्सनैलिटी एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ओरिजिनली बनाया गया था मुरे की नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के मापन के लिए, लेकिन आजकल ये पर्सनैलिटी एटीट्यूड वैल्यूज के भी मापने में यूज होता है। ओके, फिर बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री ऑफ द टीएटी, क्या इसका बैकग्राउंड है और क्या हिस्ट्री है, ये थोड़ा बहुत हम लोगों ने जान लिया। लेकिन फिर से कि दी जीएटी इज बेस्ड ऑन दी प्रोजेक्टिव हाइपोथेसिस, सबसे पहली बात की ये प्रक्षेपण की परिकल्पना पर आधारित है। क्या है प्रक्षेपण की परिकल्पना? सॉरी, प्रोजेक्टिव टेस्ट अज्यूम दैट द वे दैट अ टेस्ट टेकर परसीव्स एंड रेस्पॉन्स टू एन एम्बिगुअस सीन रिवील्स इनर नीड्स, फीलिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजायर्स। यानी कि जितने भी प्रक्षेपण के परीक्षण हैं पर्सनैलिटी नापने के लिए, वो ये मानते हैं कि टेस्ट टेकर, जिसके ऊपर टेस्ट अप्लाई किया जा रहा है, वो किस तरह से परसीव करता है और किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। एक जो अनक्लियर सा एम्बिगुअस सा उनके सामने सीन दिखाया जा रहा है, वो ये सब दर्शा देता है कि उसकी आंतरिक आवश्यकताएं क्या है, आंतरिक रूप से वो क्या महसूस करता है, क्या द्वंद चल रहा है, क्या इच्छाएं हैं, सब कुछ। तो इससे आप पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन हो जाएगा। द रिस्पॉन्सेज आर ए प्रोजेक्शन ऑफ द सेल्फ, हमारा जो सेल्फ है, जो हम एक्चुअली हैं, हमारे रिस्पॉन्सेज उसी का एक प्रोजेक्शन होते हैं। एंड आर थॉट टू बी इंडिकेटिव ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, और ये इंडिकेशन देते हैं कि हमारा जो मन में जो चल रहा है उसका एक इंडिकेशन है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्राइडियन थॉट एंड थियरीज दैट बिकेम पॉपुलर इन द 1940s। फ्राइड ने जो थियरी दी है उसको ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट है वो उन्हीं से इन्फ्लुएंस है, फ्राइड की थिंकिंग और फ्राइड की थ्योरी से, है ना, यहाँ पे फ्राइड बताने की जरूरत नहीं। फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट हैव बीन यूज्ड इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सिंस द 1940s। जो सॉरी प्रक्षेपण के परीक्षण हैं वो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में 1940 से इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है और आजकल ये क्लिनिकल सेटिंग्स में भी पॉपुलर है। दे हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, पर उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अभी क्रिटिसिज्म हम आगे पढ़ना है, इसलिए हम इसको अभी यहां नहीं पढ़ रहे हैं, आगे फिर क्रिटिसिज्म आएगा, इसलिए इसको यहां छोड़ देते हैं। फिर अच्छा, द टीएटी इज द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्टिव टेस्ट, इसको भी हम कंक्लूजन में लेंगे। स्कोरिंग सिस्टम, कैसे स्कोर करेंगे, है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग द मोस्ट टिपिकल वन, द मोस्ट डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर अप्लाई करेंगे और वो जो बताएगा, क्यों, क्या ऐसा तो है नहीं कि सवाल का अगर जवाब सही है तो एक नंबर दे देंगे और गलत है तो जीरो दे देंगे या नंबर काट लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें तो रिफ्लेक्शन है, इसमें तो थ्योरी है, इसमें तो स्टोरी है, आप कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसीलिए इवन रोशा इंग्लॉट टेस्ट के लिए तो स्कोरिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अगर आप ट्रेंड होंगे तभी आप रोशा टीएटी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कोरिंग कैसे करते हैं, देखिए, द टीएटी इज ए प्रोजेक्टिव टेस्ट इन दैट लाइक द रोशा टेस्ट इट्स असेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट ही और शी प्रोजेक्ट्स इनटू द एम्बिगुअस इमेजेस, हम लोग समझ गए। फिर देयरफॉर टू कंप्लीट द असेसमेंट, तो असेसमेंट पूरा करने के लिए क्या करना होगा, ईच नैरेटिव क्रिएटेड बाय ए सब्जेक्ट, जो कुछ भी सब्जेक्ट बोलेगा मस्ट बी केयरफुली रिकॉर्डेड, उसको हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एंड एनालाइज्ड, और फिर उसकी विश्लेषण करना होगा, किस प्रकार से, टू अंडर अनकवर, जिससे कि निकल कर आए, क्या निकल कर आए, अंडरलाइन नीड्स, एटीट्यूड्स एंड पैटर्न्स ऑफ रिएक्शन। ओके, तो कैसे करेंगे स्कोरिंग, ऑल्दो मोस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स डू नॉट यूज फॉर्मल स्कोरिंग सिस्टम्स, सेवरल फॉर्मल स्कोरिंग सिस्टम्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर एनालाइजिंग टीएटी स्टोरीज सिस्टमेटिकली एंड कंसिस्टेंटली। तो हमने कुछ डेवलप किए हैं, कुछ हमने स्कोरिंग सिस्टम, कौन कौन से, टू कॉमन मेथड्स दैट आर करेंटली यूज्ड इन रिसर्च, जो दो मोस्ट कॉमन मेथड यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं, डिफेंस मैकेनिज्म्स मैनुअल, फुल फॉर्म है इसका और एब्रीविएशन क्या है, DMM, डिफेंस मैकेनिज्म्स मैनुअल। इसमें क्या होता है, दिस एसेसेस थ्री डिफेंस मैकेनिज्म, ये तीन प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म की गणना करता है, क्या, डिनायल, डिनायल का मतलब कि हमने अस्वीकार कर दिया है, तो ये लीस्ट मेच्योर है ना, हम अगर एकदम इमेच्योर होंगे तो हम चीज को डिनाय कर देंगे। प्रोजेक्शन, जब हम प्रक्षेपित करते हैं अपनी नीड को किसी और पर, तो ये इंटरमीडिएट है। एंड आइडेंटिफिकेशन, जो कि मोस्ट मेच्योर है ना, फिर अ पर्सन्स थॉट्स फीलिंग्स आर प्रोजेक्टेड इन स्टोरीज इन्वॉल्व, और जो भी हम स्टोरी बताएंगे उसमें हमारी थॉट और फीलिंग प्रोजेक्ट होती है, तो ये एक तरीका है। और दूसरा तरीका है सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशंस, यानी कि फुल फॉर्म एब्रीविएशन इसका हो गया स्कोर स्केल, S फॉर सोशल, C फॉर कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट के लिए O और रिलेशंस के लिए R, सोशल कॉग्निशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेशंस स्केल। दिस एसेस फोर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेशंस, ये ऑब्जेक्ट रिलेशंस के चार आयामों का मापन करता है, कैसे,
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, यानी कि आप जो स्टोरी बताएंगे उसको इस हिसाब से मापा जाएगा कि आपने कितना कॉम्प्लेक्स उसका रिप्रेजेंटेशन किया है. इफेक्ट टोन ऑफ रिलेशनशिप पैराडाइम्स, जो रिलेशनशिप का पैराडाइम आप बताएंगे उसमें क्या टोन है, क्या इफेक्ट है, इस हिसाब से आपकी स्कोरिंग होगी. और कैपेसिटी फॉर इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन रिलेशनशिप्स, कितना आपने जो कहानी बनाई है उसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट की कितनी क्षमता है. एंड मॉरल स्टैंडर्ड्स, आप पता चल जाएगा ना कि कितनी मोरालिटी की आपको, आप कितना वजन देते हैं आपकी कहानी में, वो साफ दिखेगा. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल कॉजैलिटी, है ना. तो बहुत सोचिए आप, इन शब्दों को अपने आप में समझना पहले कितना मुश्किल है, फिर इन शब्दों के, इन पैमानों के हिसाब से कहानीकार ने, टेस्ट टेकर ने किस प्रकार से कहानी बताई है और उसकी गणना करना, इट्स सो डिफिकल्ट देन वी इमेजिन, है ना. हम सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा मुश्किल है. फिर वाई दी टी ए टी इज यूज, क्यों इस्तेमाल करते हैं टी ए टी. दी टी ए टी कैन बी यूटिलाइज बाई थेरेपिस्ट इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, यानी कि बहुत सारे तरीकों में यूज किया जाता है. कौन कौन से हैं, मैंने हेडिंग्स का दिया है. टू लर्न मोर अबाउट ए पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए. जैसे इन दिस वे वी टेस्ट एक्ट्स एट समथिंग ऑफ एन आइस ब्रेकर व्हाइल प्रोवाइडिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट पोटेंशियल इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स द क्लाइंट मे हैव. यानी कि हम जनरली जब किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं तो उस पर बात नहीं करना चाहते, पर कोई ऐसी आइस ब्रेकर से अगर हमको पिक्चर कार्ड मिल जाए तो हम एकदम फूट पड़ते हैं और हम सब कुछ बता देते हैं जो कि एक बर्फ की तरह से जमा था और हम कुछ नहीं बता पा रहे थे. फिर टू हेल्प पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ये किस लिए भी यूज किया जा सकता है कि व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को अधिक एक्सप्रेस कर सके, अधिक अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सके. टीएटी इज ऑफन यूज एज अ थेरेप्यूटिक टूल टू अलाउ क्लाइंट्स टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन नॉन डायरेक्ट वे, है ना. हम डायरेक्टली तो कह नहीं रहे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बताओ, हम तो उनको पिक्चर दिखा के कहानी बताने के लिए कह रहे हैं, तो उस कहानी बताने में वो अपनी फीलिंग्स को उजागर कर देंगे. ये इसके पीछे का थीम है. ए क्लाइंट मे नॉट येट बी एबल टू एक्सप्रेस अ सर्टन फीलिंग डायरेक्टली, है ना. डायरेक्टली हम लोग कुछ कहने से वैसे भी बचते हैं, बट दे माइट बी एबल टू आइडेंटिफाई द इमोशन व्हेन व्यूड फ्रॉम एन आउटसाइड पर्सपेक्टिव. लेकिन दो लोगों के बीच में होगा तो हम आउटसाइडर की तरह से उसको बता सकते हैं, है ना. फिर टू एक्सप्लोर थीम्स रिलेटेड टू द पर्सन्स लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्लाइंट्स डीलिंग विद प्रॉब्लम्स सच एज जॉब लॉस, डाइवोर्स और हेल्थ इश्यूज माइट इंटरप्रेट द एम्बिगुअस सीन्स इन रिलेटिंग टू देयर यूनिक सर्कमस्टेंसेज अलाउइंग डीपर एक्सप्लोरेशन ओवर द कोर्स ऑफ थेरेपी. यानी कि व्यक्ति के जीवन अनुभव से अगर संबंधित कोई थीम है तो वो पूरा एक्सप्लोर कर देगा अपना जो भी भूत वर्तमान भविष्य है. टू एसेस समवन फॉर साइकोलॉजिकल कंडीशंस, अगर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुई है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए भी है ये. अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टू इवेलुएट क्राइम सस्पेक्ट्स, क्राइम सस्पेक्ट्स के इवेल्युएशन के लिए भी इस्तेमाल होता है. क्लिनिशियंस मे एडमिनिस्टर द टेस्ट टू क्रिमिनल्स टू एसेस द रिस्क ऑफ रेसिडिविज्म. रेसिडिविज्म मतलब जुर्म, है ना, कि हम ये एसेस कर सकते हैं कि जुर्म करने की मतलब कितनी संभावना है, रिस्क कितना है कि वो कर सकता है ये जुर्म की नहीं कर सकता है, इसका भी एसेस करने के लिए सस्पेक्ट हम जांच सकते हैं इससे. इफ ए पर्सन मैचेस द प्रोफाइल ऑफ ए क्राइम सस्पेक्ट, भाई इतने सारे लोगों ने इतनी बार किया है तो हमको क्राइम सस्पेक्ट का एक प्रोफाइल तो लगभग पता है किसको, जो प्रैक्टिशनर है, तो आपकी प्रोफाइल से अगर उसका प्रोफाइल मैच हो जाएगा तो आप क्राइम सस्पेक्ट हैं कि नहीं है ये भी पता चल सकता है. फिर टू स्क्रीन जॉब कैंडिडेट्स, किस प्रकार की जॉब के लिए स्क्रीनिंग हो सकती है, जहां पे बहुत साइकोलॉजिकल मतलब वो चाहिए, स्ट्रेस की कंडीशन है, बड़ा निर्णय लेना होता है, बहुत द्वंद की स्थिति होती है, उस तरीके की कौन कौन सी जॉब, जैसे कोपिंग विद स्ट्रेस एंड इवेलुएटिंग वेग सिचुएशंस, है ना, सच एज मिलिट्री लीडरशिप एंड लॉ इन्फोर्समेंट पोजीशंस, उनके लिए भी यहाँ पे आकलन किया जा सकता है कि आप उपयुक्त हैं या नहीं. फिर क्रिटिसिज्म, ऐसा नहीं है कि इसमें सब अच्छाइयां हैं, बहुत सारी इसमें कमियां. अच्छा, आपको इसकी आलोचना देखने के लिए यह देखना पड़ेगा कि टीएटी की आलोचना उसी के क्रम में होगी जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट की आलोचना होती है. और प्रोजेक्टिव टेस्ट की आलोचना किस क्रम में होती है, कि दे दीज टेस्ट हैव लैक्ड देयर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, है ना. तो क्या है, द टीएटी इज ऑफन क्रिटिसाइज फॉर नॉट बींग स्टैंडर्डाइज, वही बात हो गई ना कि स्टैंडर्डाइज नहीं है. क्यों, मीनिंग देयर आर नो रूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्मल स्कोरिंग सिस्टम, मतलब ये है कि कोई नियम नहीं है किसका कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा, कैसे स्कोरिंग होगी, है ना. क्लिनिशियंस ऑफन वेरी इन हाउ दे एडमिनिस्टर द टेस्ट, जो क्लिनिकल पीपल हैं वो खुद भी वेरी करते हैं कि कैसे वो टेस्ट लेंगे. एडिशनली फ्यू प्रैक्टिशनर्स यूज मुरेज कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम एंड इंस्टेड रिलाई ऑन देयर सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन एंड क्लिनिकल ओपिनियन. फिर एक मिनट, फिर उसके बाद
फॉर एग्जाम्पल इवन इफ क्लिनिशियंस यूज द सेम स्कोरिंग सिस्टम, मतलब क्लिनिकल पीपल जो है अगर वो सेम स्कोरिंग सिस्टम फॉलो करते हैं उसके बाद भी दे मे यूज डिफरेंट कार्ड्स. ये हो सकता है ना कि उन्होंने कुछ और कार्ड यूज किया, उन्होंने कोई कुछ और कार्ड यूज किया, तो यूनिफॉर्मिटी तो है ही नहीं. दिस मेक्स इट इनक्रेडिबली डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल हो जाता है टू ऑब्टेन एस्टिमेट्स ऑफ रिलायबिलिटी, कि ये पता लगाना कि कितना विश्वसनीय और कितना वैध ये परीक्षण है. एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंपेयर रिजल्ट, और हम तुलना नहीं कर सकते किसकी, परिणामों की. Declining adherence to the Freudian principle of repression on which the test is based has caused the TAT to be criticized as false or outdated by some professional psychologists. क्योंकि फ्राइड की थ्योरी अब तो नहीं वर्केबल है, अब तो ज्यादा नहीं मानी जाती, बहुत क्रिटिसिज्म होता है फ्राइड का भी. और चूंकि ये फ्राइड के प्रिंसिपल पे बेस्ड है इसको इसलिए अब ये आउटडेटेड भी कहा जाता है, और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये बहुत काम का नहीं है. Their criticisms are that the TAT is unscientific. और वो ये भी कहते हैं कि अनसाइंटिफिक है, क्यों, क्योंकि ये वैलिड नहीं है. तो हमको पता होना चाहिए वैलिड क्या होता है. वैलिड का मतलब दैट इट एक्चुअली मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर. हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वैलिडिटी या वैध का मतलब है कि वो वही चीज नापने जिसको नापने के लिए उसको बनाया गया है, और रिलायबल और वो विश्वसनीय हो, मतलब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ओवर टाइम दे, यानी कि एक समय अंतराल के बाद दोबारा आप पे टेस्ट किया जाए तो रिजल्ट लगभग कंसिस्टेंट रहे. ड्यू टू द चैलेंज ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ द नैरेटिव्स प्रोवाइडेड बाय सब्जेक्ट्स. और क्या कमी है, सम क्रिटिक्स ऑफ द TAT कार्ड्स हैव ऑब्जर्व दैट द कैरेक्टर्स एंड एनवायरनमेंट्स आर आउटडेटेड इवन ओल्ड फैशन क्रिएटिंग ए कल्चरल और साइको सोशल डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट्स एंड द स्टिमुलाई. वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी में प्रॉब्लम है, जो कार्ड्स हैं वो भी इतने पुराने हैं, 1930 में बनाया उन्होंने, और वो आउटडेटेड हैं, और इवन कल्चरल और साइको सोशल डिस्टेंस पैदा करते हैं. मतलब आप विश्व के विभिन्न विभिन्न जगहों पर करेंगे तो कल्चरल भी इसमें फैक्टर काउंट हो जाएगा, है ना. ऑल्सो इन रिसर्चिंग द रिस्पॉन्सेज ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन फोटोग्राफ्स वर्सेस द TAT रिसर्चर्स फाउंड दैट द TAT कार्ड्स वो मोर डेवियंट स्टोरीज. उनका ये भी कहना है कि जो TAT कार्ड्स हैं वो बहुत डेवियंट स्टोरीज प्रोजेक्ट करते हैं, वो बहुत नेगेटिव हैं अपने आप में. तो ये भी एक इसकी कमी बताता है. तब भी हम कैसे कंक्लूड करेंगे इसको, इंस्टेड ऑफ ऑल दिस शॉर्ट कमिंग स्टिल TAT is the most used test to measure personality after Rorschach-Inkblot test. लेकिन तब भी परीक्षण ये जो व्यक्तित्व को नापने के लिए है उसमें रॉर्शा के जो इंक क्या बोलते हैं इसको, स्याही धब्बा, रॉर्शा के स्याही धब्बा परीक्षण से के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर टेस्ट है पर्सनैलिटी को नापने के लिए. तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, TAT है क्या, TAT का फुल फॉर्म है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट. बनाया किसने है, मुरे मॉर्गन ने. कब बनाया, 1930 में बनाया. फिर मुरे ने बनाया क्यों था, अपने नीड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के असेसमेंट के लिए, लेकिन अब ज्यादा पॉपुलरली और क्लिनिशियंस भी इसको यूज करते हैं. फिर उसके बाद कैसे स्कोरिंग होती है, तो दो इसके मेन जो मेजर्स हैं, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म वाला और स्कोरिंग वाला, स्कोर स्केल. फिर उसके बाद क्यों हम जरूरत पड़ती है व्यक्ति को जानने के लिए, उसकी इनर फीलिंग्स को जानने के लिए, जॉब स्क्रीनिंग के लिए, क्रिमिनल सस्पेक्ट्स के लिए, है ना. फिर उसके बाद प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या है, ये हम जान ही रहे कि हमारा जो इनर फीलिंग है उसको प्रोजेक्ट करना है. और ये हो गया. फिर क्रिटिसिज्म के बाद कंक्लूजन में ये कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, क्रिटिसिज्म में यही कि ये रिलायबल नहीं है, ये वैलिड नहीं है. क्यों, क्योंकि इसकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, कौन सी दशाएं होंगी, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें वो हो जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल भी रिलायबल और वैलिड टेस्ट नहीं है. तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में सारे टेस्ट के संग ये प्रॉब्लम है. और कंक्लूजन तब भी ये कि फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज शॉर्ट कमिंग्स स्टिल TAT इज द मोस्ट यूज्ड टेस्ट to measure personality after Rorschach-Inkblot. Okay? I hope कि TAT आपको क्लियर हो गया होगा. और अक्सर शॉर्ट नोट्स पूछ देते हैं एग्जामिनेशन में, और अगर आपका तैयार नहीं होता है तो आपसे छूट जाता है. प्लस अगर वो पर्सनैलिटी पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सिर्फ कभी ये नहीं पूछेंगे हाउ वुड यू अंडरस्टैंड मी पर्सनैलिटी या डिस्कस ट्रीट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वो हमेशा उसके संग पर्सनैलिटी के संग उसका मेजरमेंट लगा देते हैं. तो मेजरमेंट वाला पोर्शन आप थ्योरी तो हम लोग याद कर लेते हैं, पर मेजरमेंट को छोड़ देते हैं ना, तो हम आधा ही आंसर ऑप्ट कर पाते हैं, तो नंबर भी आधे में से ही मिलेगा. इसलिए आप पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के TAT टेस्ट को तैयार कर लीजिए. ओके, डन.